ये ले दादी, ये ले। तुझे क्या हुआ है? ये मिर्चे चुबा के कहां से आ रहा है तू? खैर तो है? पीर शालम के शहर वाले बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा नया नाटक शुरू हो जाएगा इन लोगों का। अपनी जुबान को दांतों पे दबा के बोला कर, हवेली वालों के मुख पर अंदर ही ना करवा दे तुझे। डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से। एक तो सारी की सारी पाबंदियां हम लोगों पे, और जो शहर की हवा खा के आए उन्हें इज्जत भी हमसे ही चाहिए। वाह, अरे वो मालिक है हमारे, इज्जत तो करनी पड़ेगी, अब चाहे हंस के करे या रोके। और उनकी आपस में जो लगी हुई है कैसर की हवेली वालों के साथ, और खलीफा उसे यहां से डर है। हाँ तो डरना भी चाहिए। कैसर को तो आग लग जाएगी जब गठजोड़ की खबर मिलेगी उसे। अम्मा हम लोग क्यों ख्वार हो रहे हैं इस राखी में, और इस गठजोड़ से हमें क्या फायदा? तू कब से फायदा और नुकसान देखने लगा तारा? वो मालिक है हमारे, उनकी दुआएं। दुआओं से पेट नहीं भरा करते अम्मा। इस साल बारिशें नहीं हुई हैं, नदियां सूखी पड़ी हैं, और जो नहर है उसका पानी भी चोरी हो रहा है। अब हवेली वालों को दुनिया के तौर तरीकों पर भी गौर करना पड़ेगा। देख तारा, ये सब हमारा नसीब है, और नसीब सिर्फ दुआओं से ही बदला करता है। तू जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। चल।